निमाड़ के लोग 10 से 15 मई में कपास और 25 मई से मिर्ची की बोनी चालू कर देते हैं। कृषि विज्ञानी कहते हैं कि किसानों को आधार खाद के रूप में DPA या NPA की आवश्यकता होती है और बुआई के समय ही डालना चाहिए ताकि पौधे की प्रारंभिक जरूरत को पूरी कर सके और पौधा बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो। इसलिए 20 से 25 दिन हो चुके हैं सोसाइटियों में खाद नहीं है और किसान आधार खाद नहीं दे पाए, तो 2-3 दिन में मौसम में परिवर्तन हुआ और बारिश के आशा लग रहे हैं। जिन किसानों के आधार खाद नहीं दिया गया है वे किसान अब अपनी फसल को खाद देना चाहते हैं लेकिन अभी भी नहीं मिल रहा है। सोसाइटियों से हताश होकर वापस जा रहे हैं। सोसाइटी वालों का कहना है कि जल्दी आने वाला है। कुछ किसान सक्षम होते हैं और जो किसान अग्रिम उठाव खाद कर लेते हैं लेकिन उनकी संख्या 5 से 10% ही होती है। अगर सारे किसान अग्रिम उठाव करें तो उनकी खाद का संकट आ जाता है। किसानों का कहना है कि खाद का भाव भी बढ़ गया है और मिल भी नहीं रहा है, परंतु उमरखली सोसाइटी में सभी तरह की खाद उपलब्ध कराई जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये कौन सा खाद लेकर आए? यूरिया। यूरिया? हाँ। और आपको अभी और कौन कौन सा खाद चाहिए? सब चाहिए, DAP भी चाहिए, पोटास भी चाहिए, सुपर भी चाहिए। तो अभी वहाँ उपलब्ध है कि नहीं? उपलब्ध सुपर है थोड़ा बहुत, तो बस इसके अलावा कोई नहीं। कब आएगा सब कुछ बताते हैं? नहीं कुछ नहीं बताते। आप भी खाद लेने गए थे तो मिला फिर? अब नहीं मिला। तो आपने भी कपास लगा दिया? हाँ लगा दिया नहीं, तो अभी खाद देने की जरूरत है उसको? हाँ जरूरत है नहीं। तो फिर अब खाद नहीं मिला तो फिर आप कैसे इंतजाम करेंगे? अब क्या अभी उखरो हैं? अब खाद नहीं मिला तो पैसा भरा लिया बैंक का मां समय दे मां। हां अभी उखर धोरा जाओ न उखरे दो के खेत का, अभी कहां से लावे? मतलब अभी खाद है नहीं? नहीं खाद है नहीं। तो फिर आपने बैंक वालों को बोला कि खाद कब तक आएगा, कुछ पूछा? मैं पूछा तो सोमवार बता रहा। थैली लेकर कहां गए थे आप, कागजात लेके? उमरखली समिति में गया था। काहे के लिए? खाद का लेन। तो मिला क्या? नहीं खाते नहीं है, कहीं कहीं कह दीजिए। खाद है नहीं? हाँ कोई सा भी नहीं खाद है? नहीं कौन सा भी नहीं है। सुपर 6 बताए होते कहीं के भाव नहीं है, देते नहीं अभी। हाँ दिया नहीं। क्या नाम आपका? द्वार सिंह। ये कौन सा खाद लेकर आए हो? यूरिया और सुपर। यूरिया और सुपर। और अभी आपको जमीन में मतलब कौन सा खाद देना है? सभी खादों की जरूरत है नहीं अभी? सभी मतलब जैसे DAP वगैरह? DAP, यूरिया, पोटास सबकी है। सुपर अभी दो खाद मिल रहा है। हाँ तो और बाकी का खाद आने का कुछ बताया? अभी तो कुछ नहीं बताया। ऐसा बोल रहे हैं कि 2-4 रोज में आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ तो आपका कपास कितने दिन का हो गया? हो गया 25 दिन का हो गया है। मिर्ची वगैरह भी लगाई है? हाँ अभी लगे, अब लगाएंगे लेकिन उसके लिए भी खाद चाहिए। हाँ ये खाद इसके लिए स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन अभी कौन कौन सा खाद मौजूद है आपके पास? यूरिया और सुपर दानेदार सुपर पाउडर। नहीं यूरिया तो लोग बता रहे हैं कि पूरा अब नहीं है, अभी वापस परसों आया था, इसका वितरण कर दिया ना पूरा। मतलब अभी कुछ लोग वापस गए हैं कि अब यूरिया नहीं है। ये जो लगा हुआ ढेर ये कहीं पर? ये परमिट बने ना? परमिट बने हुए हैं, परमिट बने ना। और अभी दूसरा खाद कौन सा है? सुपर। सिर्फ सुपर? सुपर जी। और DAP वगैरह कुछ नहीं? DAP अभी आई नहीं है, अभी आई नहीं है। और एक इफको NPK सोमवार तक आने का है? सोमवार तक आने का है। तो जैसे अभी किसानों की समय चल रहा है खाद देने का, बेसल डोज वगैरह देते हैं, तो फिर अब कैसे क्या समिति कुछ कर रही है उसके लिए? रोज लगाती है फोन उधर, अभी खाद नहीं आ रहा ना, अभी तो आगे से नहीं आ रहा, आगे से नहीं आ रहा। अभी खाद के भाव भी बढ़ गए हैं भाई, ऐसा बताएं लोग। खाद के भाव बढ़ गए ना, इसको 1470 हो गया है, DAP 1350 है, सुपर का नया रेट आ गया 425 रुपये। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।